समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, राम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, लेकिन सपा की शान वो भी किसके प्रति है? कुछ पेशेवर अपराधी माफिया और आतंकवादियों के प्रति है। चुनाव हो रहा उन्नाव में बात कर रहे आतंकवाद की। मोहम्मद सैफ से आपका क्या संबंध है? अखिलेश जवाब दो, ये आतंकवादियों से रिश्तों का राज क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादियों के प्रति की सहानुभूति और संवेदना क्यों है? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा आपको। ये गौर परिवारवादी आपको बिजली नहीं, बिजली का झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले बिजली की भी जाति हुआ करती थी, मत और मजहब हुआ करता था। कुलबों को बांट कर राजनीति करने का नाम ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टियां करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने जो कहा वो करके दिखाया ना, हमने तो कोई नान उपर नहीं किया। उत्तर प्रदेश के रण में 172 सीटों यानी करीब 43% सीटों पर वोटर ने अपना फैसला दर्ज कर दिया है। वोटिंग मशीन में दर्ज ये फैसला किस ओर गया, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। जाति, धर्म, विकास, वादों और दावों के साथ साथ तीन दौर के मतदान में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी वोट पड़े हैं और जिन दो मोर्चों के बीच आमने सामने की जंग है वो अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। आज इतनी हवा तेज थी कि आज हवा के सामने हेलीकॉप्टर भी धीमे चल रहा था। ये हवा इसलिए तेज चल रही है क्योंकि आज वोट पड़ रहा है, साइकिल की रफ्तार तेज है। तृतीय चरण का मतदान चला है और दो चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है प्रदेश के मतदाताओं ने सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, सपा बसपा और कांग्रेस का सदैव के लिए सफाया करने का निर्णय कर लिया है। आज वंदे मातरम में हम बताएंगे आपको कि तीसरे चरण तक के चुनाव में फैसला किस ओर झुकता नजर आ रहा है, किनको इन 172 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है और किसके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हम ये भी बताएंगे कि करहल की सीट पर क्या होगा, अखिलेश यादव की हवा कैसी है और ये भी बताएंगे कि अगले चार चरणों में किसका सिक्का चलने वाला है और किन मुद्दों पर वोट गिरने वाला है। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे दिया बरे घर लौटाओ। एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। फैजाबाद के लोग डालेंगे वोट, आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के, गाजीपुर, बलिया के जब लोग वोट डालेंगे तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आने वाला दिखाई नहीं देगा। जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आप लोग, क्या जनता जनार्दन, क्या उनको वोट देगी? जो लोग देश की सुरक्षा के साथ निर्माण कर रहे हैं, क्या जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको प्राप्त होना चाहिए? आज के औरंगजेब है जो अपने बाप का नहीं हुआ, आपका क्या होगा? पहले तीन चरणों में जो चुनौती समाजवादी मोर्चा से बीजेपी को मिली, उसका असर ये कि बीजेपी ने अपने सभी कद्दावर नेताओं को अगले चार चरणों के लिए मैदान में उतार दिया है, क्योंकि अगले दौर में वो सीटें भी हैं जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वहाँ भी बीजेपी
फगवा लहराना चाहती है। काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, और काका का फुल फॉर्म है काले कानून। इसलिए कहना चाहता हूं, अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। किसान आंदोलन किए, एक साल के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े रहे, 700 किसान शहीद हुए। आजम खान दंतनाता था कि नहीं बताओ, दंतनाता था कि नहीं? मुख्तार अंसारी दंतनाता था कि नहीं? आप बताइए, आतिक अहमद दंतनाता था कि नहीं? आजकल ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। ये लोग गर्मी निकालने वाले हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी, इनका धुआं निकाल देगी। जाहिर है आगे की लड़ाई और भी जोरदार होने वाली है। जुबानी प्रहार से लेकर आरोप और प्रत्यारोप के नए बयानात सामने आएंगे, लेकिन बीजेपी गुंडागर्दी, दंगा और आतंकवाद का मुद्दा उठाकर रखने वाली है, और समाजवादी पार्टी किसान, छुट्टा जानवर, महंगाई के साथ साथ नौकरी और भर्ती के मुद्दे की गर्मी कम नहीं होने देने वाली। मैं उनको गर्मी निकालने वालों को कहना चाहता हूँ, बुलडोजर बाबा जी को, कि समाजवादी लोगों ने तय किया है सरकार बनेगी तो गर्मी निकालने वाली बात नहीं होगी, फौज में नौकरी। नमस्कार, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें ही हैं, मेरी पहचान। मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे बड़ा शो वंदे मातरम, जिसमें मैं मकसूद खान सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित की बात करूंगा। और हम कह रहे हैं ना, यूपी के युद्ध की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज हम जी हिंदुस्तान पर ला रहे हैं, और मैं मकसूद खान इन तमाम सियासी खबरों का सीधे उत्तर प्रदेश के कासगंज से डिटेल एनालिसिस करूंगा। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, जहां पर दिन भर आज वो मौजूद रहे और जहां पर विधानसभा के तीसरे दौर की वोटिंग हुई है। मेरे साथ हाथरस से मेरे सहयोगी रोहित पोखरियाल हैं, फरुखाबाद से हैं लवीना राज, इसके साथ ही कानपुर से हैं अंजीत और झांसी से हैं करिश्मा सचदेव। मेरे तमाम सहयोगियों से आगे वंदे मातरम में मेरी सीधी बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए यूपी के युद्ध की, उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर। थर्ड फेज के चुनाव में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहले दो फेज तो अच्छे हुए ही हैं, और जनता लगातार समाजवादी पार्टी और गठबंधन का साथ दे रही है। यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। दो राउंड में 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ललका चर्चा, नेताजी का हाथ अपने माथे पर रखवाए पर अपने मन का मलाल नहीं छुपा पाए। आदित्य यादव को भी आप चाहते थे, आदित्य यादव को क्यों नहीं टिकट मिला? देखिए, अगर अखिलेश अपने मन से दे देते तब ठीक था। जसवंत नगर की लड़ाई बड़ी है, करहल की लड़ाई बड़ी है। देखिए, दोनों सीटों से हमेशा हम बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं, तो अब जसवंत नगर की जनता और करहल की जनता में जो दोनों से है कि हम ज्यादा जिताएंगे। एक सीट पर समेट देने के जख्म पर जसवंत नगर में बड़ी जीत का मरहम लग जाए, चच्चा की ये चाहत पूरी हो, इसमें बबुआ और डिंपल भाभी का वोट भी बेहद मायने रखता है, क्योंकि दोनों जसवंत नगर के वोटर हैं, जहां से चच्चा उम्मीदवार हैं। यादव लैंड में बीजेपी को पटखनी देने के दावे पर वोटिंग की रफ्तार सवाल उठाती दिखी, तो उधर उन्नाव में चौथे चरण की विसात बिछा रहे बबुआ का बॉडी लैंग्वेज रह रह कर गड़बड़ाता नजर आया, जैसे तीसरे चरण का खेला बिगड़ गया हो। लिहाजा सवाल मतदान के बाद भी गहरा रहा है कि करहल में कांटा निकला या चुभ गया। हालांकि बुलडोजर बाबा की चुटकी लेकर उन्होंने बड़ी सफाई से खुद को संभाल लिया, तो उधर योगी बेहिचक ताल ठोकते रहे, क्योंकि अब चुनावी लड़ाई भगवा लैंड की ओर शिफ्ट हो चुकी है। प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है, तो इस पर उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि खुशी होनी चाहिए?
और बुलडोजर अगर मेंटेनेंस पे है तो मेंटेनेंस के बाद ठीक होकर के आएगा, तो क्या मंत्री पुत्र जिसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी क्या बुलडोजर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? वे आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। तीसरे चरण के मतदान के साथ ही 172 सीटों पर वोट लॉक हो चुका है, बबुआ का बड़ा दांव खत्म हो चुका है और चुनावी दंगल यादव लैंड के पार पहुंच चुका है, जहां अगले चार चरणों में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का तगड़ा खेल होना है। जब से इन्होंने हवा का रुख देखा है, समाजवादियों के पक्ष में है, तो जो दूर से लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, अपने कपड़े बदल करके चुपचाप भाग गए हैं, पता नहीं लगा किधर चले गए। बुरी तरह चुनाव हार रहे इन गोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे, लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, यूपी का विकास विकास विकास। अगले चार चरणों में 231 सीटों पर मतदान होना है, यानी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा की सीट पर फैसला अब भी बाकी है। बबुआ की पूरी कोशिश है कि अगले चार चरणों में भी टक्कर बाबा और बबुआ में ही दिखे और दूसरे वोट कटवा फैक्टर्स हावी ना हो पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता ने आखिर किस मुद्दे पर वोट देने का मन बनाया है? फिलहाल तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा सब पर भारी दिख रहा है और यही बात बबुआ की नींद उड़ा रही है। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त हाथरस का, मेरे सहयोगी रोहित पोखरियाल हाथरस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, तीसरे दौर की वोटिंग पूरी हो चुकी, अब सवाल यही कौन कहां खड़ा है, कहां कांटे का मुकाबला है, सीधी टक्कर है। और मकसूद इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि तीसरे फेज के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जरूर इस बात का दावा कर रहे हैं कि साइकिल की रफ्तार तेज है, साइकिल की हवा तेज है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताने के लिए काफी है। उसके साथ साथ उनकी अपनी सीट जिससे वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उस पर जिस स्पीड से मतदान हुआ, मतदान की जो रफ्तार थी, वो ये बताने के लिए काफी है कि पहले दो फेजेस के मुकाबले इस फेज में सपा को वोट कुछ कम मिला है। और मकसूद इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि तीनों चरणों के चुनाव के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि हवा किस ओर है, टक्कर जबरदस्त है। और अब हम ये कह रहे हैं मकसूद कि तीसरे चरण में भगवा लैंड ही आखिरी फैसला करेगा। तो तीसरे दौर की वोटिंग तो हो चुकी, लेकिन इस यूपी के युद्ध में बाबा दरअसल बबुआ को जिस भगवा टर्फ पर लाने की तैयारी कर रहे थे, दरअसल चौथे दौर का चुनाव अब उसी हार्टलैंड यानी कि अवध में होने जा रहा है। और सवाल यही कि एक तरफ जहां भगवा भारी नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो नाराज ब्राह्मण हैं उन्हें मनाने के लिए बबुआ की जो तैयारी है, क्या वो आने वाले वक्त में वो इसको मुश्किल पैदा करेगा भगवा ब्रिगेड को? यही वंदे मातरम की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा हुआ तीसरे चरण का मतदान, अब गूंजेगा जय श्री राम। इसकी झलक यूपी से 7,500 किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश जाम्बिया में भी दिखाई दी। जय श्री राम। गाना नहीं बजा रहे हो, आवाज बढ़ाओ।
जय श्री राम। जाम्बिया की इस पिक्चर को यूपी के हार्टलैंड अवध का ट्रेलर कहा जा रहा है, जहां चौथे चरण का मतदान है। यूपी में बीजेपी ने अपनी चुनावी सियासत की बुनियाद अवध को ध्यान में रखकर ही बनाई है, जिसके केंद्र में राम और राम मंदिर है, तो नारा जय श्री राम है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसने किया? भाइयों बहनों, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी? राम मंदिर का निर्माण तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही कराएगी ना, तो फिर समर्थन भाजपा को मिलना चाहिए ना, क्योंकि बिना समाजवाद के राम राज आना संभव नहीं है। जब राम राज आएगा तो पहले समाजवाद आएगा, जब समाजवाद आ जाएगा तब राम राज आएगा। बिना समाजवाद के राम राज लाने की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की चुनावी लड़ाई में भगवा भाई जान की बिसात बिछी तो बबुआ की समाजवादी पार्टी ने उसका फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तुष्टिकरण की छवि से छुटकारा पाने के लिए मंदिरों के चक्कर लगाए और दूसरे तमाम दांव भी आजमाए, लेकिन अवध की चुनावी लड़ाई में किसी और मुद्दे की आड़ लेने की गुंजाइश नहीं बची। यह हकीकत बबुआ भी जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ शादी ब्याह तक में भी एक ही गाना बजता सुनाई दे रहा है। ये हरदोई के लोग समझदार है, इसलिए उनका खेल चलने नहीं दिया। अच्छा हुआ आपने पहले ही इनकी फैमिली इंडस्ट्री पे ताला लगा दिया। तो सोचो, चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है, और जिस समय वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। फैजाबाद कब अयोध्या जिला हो गया, लेकिन चुनावी रैली में बबुआ की जुबान से फैजाबाद निकल रहे हैं, तो इसके पीछे भगवा फैक्टर है और अल्पसंख्यक वोटों को पाले में लाने का दांव भी। अवध की चुनावी बिसात को ध्यान में रखकर बबुआ ने ब्राह्मण वोटों पर दांव लगाया था, राम के जवाब में परशुराम का फरसा लहराया था। अवध में ब्राह्मण वोटर 11% है और राजपूत वोटर 8%। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में दोनों वोट बैंक को साधा था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि ब्राह्मण असंतोष का मुद्दा उठाकर बाबा को घेर सकते हैं। बबुआ की उम्मीद के पीछे बाराबंकी जैसी तस्वीरें हैं। चौथे चरण में 59 सीटों पर मतदान है। देखना यह है कि बाबा बनाम बबुआ की लड़ाई यहाँ क्या मोड़ लेती है। और सीधे रुख करेंगे झांसी का, मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव झांसी से मेरे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, 3 दौर की वोटिंग हो चुकी, लेकिन आखिरी के 4 चरण कहाँ कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? देखिए मकसूद, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि अभी तो 43% सीटों पर ही वोटिंग हुई है और यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अब 57% यानी कि 231 सीटों पर लड़ाई लड़नी है, और ये वो बेल्ट है मकसूद जहाँ पर बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसलिए मकसूद हम कह रहे हैं ना कि आगे आने वाला समय ललका पियरका के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जी मकसूद, हिंदुस्तान पर जारी है वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान, सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें ही हैं मेरी पहचान। वंदे मातरम में लगातार बात हो रही है यूपी के युद्ध की, उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी खबरों की। तीसरे दौर की वोटिंग आज हो चुकी है और अब चौथे दौर पर सबकी नजरें हैं, और चौथे चरण से दरअसल
भगवा लैंड में चुनाव की एंट्री होने वाली है, लेकिन नजरें दरअसल सबकी छठे और सातवें दौर पर टिकी हुई है, क्योंकि दरअसल यही दौर निर्णायक रहने वाला है। क्योंकि दावा समाजवादी बबुआ की तरफ से ये किया जा रहा था कि छठे और सातवें दौर यानी कि आखिरी के दौर में बीजेपी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे, तो ये तो खैर 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल आप वंदे मातरम की रिपोर्ट देखिए। हर वादा भारतीय जनता पार्टी का जुमला निकला। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। ये सरकार पता नहीं कहाँ खोई हुई है। आज हम लोगों ने जब इत्र वाले मित्र के लिए जो बुलडोजर हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने उसे इत्र वाले मित्र पर भी पहुंचाने का काम किया है। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर, ये मैंने नहीं रखा है। पूर्वांचल में तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई मिलने वाला नहीं है। पांचवें चरण से यूपी का युद्ध पूर्वांचल में भी प्रवेश कर जाएगा और छठे चरण और सातवें चरण में तो खांटी पूर्वांचल की सीटों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और माना जा रहा है कि पूर्वांचल का रण ही निर्णायक रण होगा, जिससे तय होगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा, अखिलेश या योगी या फिर कोई और जब फैजाबाद के लोग डालेंगे वोट, आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के, गाजीपुर, बलिया के जब लोग वोट डालेंगे, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आने वाला दिखाई नहीं देगा। अब ये लोग करें भी तो क्या करें, आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है। हमारे नौजवानों के सपने तोड़ दिए, नौकरी नहीं मिली न रोजगार मिला। शनिवार को लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और आगे की 231 सीटों के लिए जो रणनीति बनी है उसमें सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल की उन सीटों पर है जहां सपा के कद्दावर नेता मैदान में हैं, और उन सीटों पर भी बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है जहां समाजवादी पार्टी के सहयोगी छोटे दल ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी का साथ सिर्फ मजबूरी की हालत में मत दो, मुझ पर रहम का कर मत दो, बल्कि ओवैसी और अबू सिंह का साथ इसलिए दो कि आपको नेता बनना है। साइकिल के साथ अपनी छड़ी को फंसाकर चल रहे ओम प्रकाश राजभर जिस गैर यादव ओबीसी की सियासत करते हैं, उनका दखल पूर्वांचल की उन सीटों पर 12 से लेकर 20 फीसदी तक है जहां छठे और सातवें चरण का मतदान होना है, और अपने पियर का चचा के दम पर ही साइकिल के सुप्रीमो पूर्वांचल में बीजेपी के बूथ पर भूत नाचने का दावा भी कर रहे हैं। पूर्वांचल में तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई मिलने वाला नहीं है। हालांकि बीजेपी ने भी इस बेल्ट के लिए कमर कसी है और अपना दल के साथ साथ निषाद पार्टी और गैर यादव ओबीसी वोट को बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। साथ में बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं के साथ साथ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया है। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त कानपुर का, मेरे सहयोगी अंजीत श्रीवास्तव कानपुर से मेरे साथ बने हुए। अंजीत, अगर पूर्वांचल ही सत्ता का फैसला करेगा तो बताइए कि पूर्वांचल में आखिर सत्ता की चाबी किसके पास है? मकसूद, हम कह रहे हैं ना कि आने वाले चुनाव में खासकर पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो सत्ता की चाबी छोटे दलों के पास है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनको छोटे दलों का ही सहारा है। मकसूद, हम कह रहे हैं ना कि आने वाले वक्त में 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन किसके साथ है और जनता किसके साथ है।
तो समाजवादी बबुआ तो कह चुके कि आखिरी दौर के मतदान तक बीजेपी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे, लेकिन दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी के युद्ध में उतरे तो उन्होंने कट्टा सट्टा और मटका को लेकर जो हमला बोला है, दरअसल वो एक बड़ा सियासी मुद्दा है और बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर। ये रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। देश में समाजवादी पार्टी ने जो आतंक गुंडागर्दी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। माहौल क्या है? माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आने वाला दिखाई नहीं देगा। तीसरे चरण के मतदान से पहले जोश दिखा रहे बबुआ बीजेपी के बूथ पर भूत नचाने का दावा कर रहे थे, लेकिन मतदान की तस्वीरों के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि जनता भूत नचाने नहीं, भूत भगाने का खेला कर रही है। जब फैजाबाद के लोग डालेंगे वोट, आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के, गाजीपुर, बलिया के जब लोग वोट डालेंगे तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आने वाला दिखाई नहीं देगा। कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। बबुआ की उम्मीदों पर यदुवंशी वोट बैंक कितना खरा उतरता है, इसका राज तो 10 मार्च को खुलेगा, लेकिन तीन चरणों के बाद की लड़ाई में भी बबुआ के सामने बड़ी चुनौती तमंचावादी, दंगावादी और परिवारवादी की छवि से पार्टी को उबारना है। दो चरणों के मतदान के बाद ही इसकी जरूरत भांप कर बबुआ ने चुनावी रणनीति बदल दी थी, लेकिन हाल देर आए दुरुस्त आए वाला नहीं दिख रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मैं उनको गर्मी निकालने वाले को कहना चाहता हूँ, बुलडोजर बाबा जी को, समाजवादी लोगों ने तय किया है सरकार बनेगी तो गर्मी निकालने वाली बात नहीं होगी, फौज में नौकरी और ये लोग गर्मी निकालने वाले हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी, इनका धुआं निकाल देगी। बबुआ के तल्ख तेवरों में नरमी बता रही है कि उन्हें आगे की चुनावी लड़ाई में अपनी हालात का अच्छे से एहसास है। मतदान के बाद जीत के दावों पर लग रहा सट्टा और मटके का दांव भी यही इशारा दे रहा है कि बबुआ की बोली का इस्तेमाल अब अगर गोली की तरह करेंगे तो खेला बिगड़ जाएगा। ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? ए तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता है बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बबुआ इससे पहले अपने चुनावी मंच से माफिया चेहरों को एहतियातन हटा चुके हैं। टिकट बंटवारे में भी यादव गैर यादव वोटों के जातीय गणित को साधने का पूरा दांव आजमा चुके हैं। बीजेपी की 2017 की चुनावी रणनीति पर 2022 में बड़ी सावधानी से पैर बढ़ा रहे हैं। नई हवा है, नई सपा के तराना सुना रहे हैं। देखना यह है कि जनता जनार्दन इसे कितनी गंभीरता से लेती है। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव,
मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त फरुखाबाद का, मेरी सहयोगी लवीना राज फरुखाबाद से मेरे साथ बनी हुई है। लवीना, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो कट्टा सट्टा और मटका का जो गोला समाजवादी पार्टी पर दागा है, इसका क्या असर हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल मकसूद, और इसीलिए मकसूद हम कह रहे हैं ना कि अब आने वाले चरणों में जो माफिया और गुंडागर्दी का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है। इसका कारण क्या है वो भी समझिए। पूर्वांचल और अवध की अगर मैं बात करूं तो यही वो जगह है, यही वो इलाका है जहां पर माफिया राज का जो दर्द है वो सबसे ज्यादा आम जनता ने सहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना मकसूद कि कट्टा और सट्टा साइकिल पर लगा सकती है बट्टा। तो वंदे मातरम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।